कि हमारे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे योजना करें जिससे हमारे बच्चों का प्रोत्साहन हो और उनको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल सके। आदरणीय शुक्ला जी, ताली बजाइए सब लोग। थैंक यू डायरेक्टर साहब। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। बच्चों बहुत ही खुशी हो रही है आपकी प्रेरणा लेकर के, बहुत अच्छा लगा और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा एक से लेकर के दसवीं तक है, बारहवीं तक विद्यालय संचालित है। द्वितीय पढ़ाई का एक विशेष उद्देश्य ये भी है कि प्राइमरी क्लास से मैं प्रारंभ करता हूँ, कक्षा एक से तीन तक के बच्चे पढ़ना सीखते हैं, दे लर्न टू रीड एंड आफ्टर ऑल इन द सक्सेसिव क्लासेस दे रीड टू लर्न। इसके बाद वो लोग हैं तो किसे पढ़ते हैं, सीखने के लिए। जो हमारा नेशनल इनिशिएटिव है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, आप लोग बच्चों जो भी पढ़ते हैं उसको ध्यान से समझ के साथ पढ़िए, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा। इसके आगे जो आप कक्षा छह से बारहवीं तक की किताब पुस्तकों को पढ़ते हैं उसको इसे ध्यान से पढ़िए कि यही सभी पुस्तकें जैसे कि आप पीएचडी है, साइंस है, जब आप यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करेंगे तो इन्हीं सब विषय को फिर से पढ़ाया जाता है। जो आपका सिलेबस है इसी सिलेबस को प्रारंभिक मान करके इसको पढ़ाया जाता है। आज का सुविचार जिस तरह से था कि अच्छे संस्कार के लिए हम अध्ययन करते हैं, अच्छे मनुष्य बनने के लिए अध्ययन करते हैं, अच्छे नागरिक बनने के लिए अध्ययन करते हैं, तो पढ़ने के बाद पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में आएंगे और इस देश की सेवा के लिए तत्पर होंगे। पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल होगा। जैसे आपसे पूछा गया पढ़ने का उद्देश्य क्या है, सामान्य तौर पर आप लोग बोलेंगे कि नौकरी के लिए पढ़ेंगे, नौकरी करके भी अच्छा ज्ञान करके आप नौकरी नहीं पाते हैं, खेती करते हैं, राजनीति में जाते हैं, आप एक दुकानदार होते हैं, अच्छा नहीं आपका रहेगा, बहुत अच्छी तरह से अपने कार्य करके इस देश की प्रगति में आपकी अहम भूमिका रहेगी। हमारे देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधाकृष्णन और उनका जन्मदिन की जब बात आती है तो बोलते शिक्षक दिवस मनाया जाए, शिक्षक दिवस का महत्व देते हैं कि भी है कंपनी एंड ऑन अ टीचर ही हु नेवर बी टू सच ए हाइट। तो शिक्षा के द्वारा ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचने का जो एक प्रमुख सोपान होता है वह होता है स्टेशन। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको ध्यान रखिएगा, इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रम भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे नाम है। धन्यवाद। आपके बीच में अचानक प्रकट हुए और अचानक अपने गुजर ने आप सब लोगों के इतनी सुंदर एक फिर से दे गए, यदि आप उसको याद रखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। आप अपने जीवन बहुत आगे तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है कि किसी भी ऊंचाई तक किसी भी क्षेत्र में आपको पहुंचा सकती है। इसलिए हम आपका बहुत ही लगन से तन्मयता के साथ पढ़ाई करें और सभी लोग एक हाथ मिला करके डॉक्टर साहब से निवेदन करें कि बीच बीच में इस विद्यालय को अपना विद्यालय समझ क्या पाते रहेंगे। वहां मिला कर निवेदन कर सकता हूँ कि हमारे सारे बच्चों का आग्रह है डॉक्टर साहब इस विद्यालय को अपना समझ करके जब भी आपको मौका मिले महीने में 15 दिन में 2 महीने आप आगे कष्ट करते हैं और इन बच्चों को क्लास में या असेंबली में अपने उद्बोधन के द्वारा इनको लाभान्वित करते रहें, क्योंकि डॉक्टर साहब इतने अच्छे ट्रेनर हैं। मैंने बहुत बार आपकी वीडियो देखी है और मेरे अत्यंत खुशी होती है कि क्षेत्र में इतने अच्छे विकास हो रहे हैं भी, यदि हम लोग स्मरण कर पाए तो कहीं भी हमारी कमी मानी जाएगी या शिक्षा देने की कमी मानी जाएगी।